अस्सलाम वालेकुम। आज हम हलवा कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बहुत हेल्दी होती है। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा विटामिन ए, सी, ई और के पाया जाता है जो कि आपके दिमाग को तेज़ करता है और साथ ही कुव्वते मुदाफ़त को बढ़ाता है। आज हम इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 किलो हलवा कद्दू जिसको हम कट कर लेंगे इस तरह। इसके छिलके सख्त होते हैं, इस तरह हम इनको कट कर लेंगे और इनको क्यूबिक फॉर्म में कट करके रख लेंगे इस तरह। ये देख लीजिए, ये बीज निकालने के बाद और छिलके रिमूव करने के बाद 1 किलो रह गया है। अब हम ले रहे हैं स्पाइसेस। हम लिया 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही हम ले रहे हैं हल्दी, ये हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून, और हम लेंगे नमक। नमक आप हसबे जायका ले सकते हैं, हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। और हम ले रहे हैं यहाँ पे काली मिर्च, हम यहाँ पे रोस्टेड काली मिर्च ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो पाउडर काली मिर्च भी ले सकते हैं। स्पाइसेस को रोस्ट करने का तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ये 1 टेबल स्पून ली। अब साथ ही हम ले रहे हैं 3 अदद दरमियाने प्याज, ये तकरीबन 1.5 पाव होते हैं, और साथ ही हम ले रहे हैं टमाटर 1 पाव, और हम लेंगे अदरक पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून, और साथ ही हम ले रहे हैं हरी मिर्चें 3, और एक पूरा लहसुन के जवे, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होता है। अब हमने 100 ml ऑयल हीट अप किया और उसमें प्याज को काट के ऐड कर लिया। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। लाइट गोल्डन जब ये होगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अभी देखिए इस तरह हमने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया। इसको हम पकाएंगे और चम्मच हम चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह हम चम्मच चलाते रहे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसने अपना कलर चेंज कर लिया तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने इसमें काली मिर्च ऐड नहीं की, काली मिर्च पाउडर हम एंड में ऐड करते हैं। अभी हमने सिर्फ इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ही ऐड की है। अब हमें 2 to 3 मिनट इसको पकाया, और अब हम इसमें लहसुन एंड अदरक पेस्ट इस और इसके बाद हमने टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए हमने इस तरह टमाटर काट लिए थे और इनको हम ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, और इसको स्टीम पे पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए आफ्टर 5 मिनट्स अब हम इसे देखेंगे ये सॉफ्ट हो गए, और वुडन स्पून के जरिए इसको प्रेस कर लेंगे और इसको दबाएंगे ताकि ये इसमें घुल जाए। अब ये देख लीजिए ये बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, तकरीबन हम 1 कप इसमें पानी ऐड करेंगे, और साथ ही हमने इसमें हलवा कद्दू भी ऐड कर दिया है। इसमें पानी लाजमी यूज़ होता है क्योंकि हलवा कद्दू थोड़ा सख्त होता है, अगर आप इसको विदाउट वाटर पकाएंगे तो ये पकेगा नहीं। अब हम इसे लिड डाउन करके रख देंगे तकरीबन 1/2 आवर के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए 1/2 घंटे के बाद हम इसको ओपन करेंगे, और हमने फ्लेम भी हाई कर दी है। अब हम आपको खोल के दिखा देते हैं। ये देख लीजिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसको किसी भी हार्ड या वुडन स्पून के ज़रिए इतना प्रेस कर लेंगे ताकि ये एक हलवे की शेप में आ जाए। हलवा कद्दू की बहुत ही फादियत है, इसे ज़रूर बनाइए। 5 साल के कम बच्चों में ज़्यादातर विटामिन ए की कमी पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 5 में से 1 बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी है, तो इसको अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। देखिए इस तरह हम प्रेस करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसमें सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि एक ये फ्रोज़न ना हो, क्योंकि अगर आप इसको फ्रीज कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं बनेगा। अब देखिए ये बिल्कुल एक हलवे की शेप में आ गया हुआ है। काली मिर्च भी ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसकी जगह सफ़ेद मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है और आई साइट के लिए बेहतरीन है। अब देख लीजिए अब हम इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर रहे हैं। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक देना मत भूलिए। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए, और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुक यम्स। अल्लाह हाफिज़।